तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग दोस्तों। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं अभी जा रहा हूँ फुलहरा बाजार घूमने के लिए, और कुछ काम भी है तो उधर से वो काम करके घर आऊँगा। तो ब्लॉग में आप लोगों को कुछ ऐसा ही सीन दिखलाऊंगा, और रास्ते में जो जो चीज़ बढ़िया रहेगी वहाँ पे रुक कर आप लोगों को वह एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो ब्लॉग पे बने रहे, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। अभी मैं हूँ बहुहारा गांव, यह फुलहरा से 1 या 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। हम लोग अभी बहुहारा पहुँचने वाले हैं। रास्ते में एक पेड़ होगा, पीपल का पेड़ जो आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ, बहुत ही मस्त है। उसका मेन जड़ अभी तक नहीं मालूम चल सका कि उसका मेन जड़ कौन है, बस आप आएगा उधर आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो ब्लॉग पे बने रहे। देखिए दोस्तों, ये वो पेड़ है पीपल का, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसका मेन जड़ अभी तक नहीं मालूम चल सका कौन सा है। जहाँ से इसका कोई भी शाखा नीचे गिरा वहीं से एक नया पेड़, देखिए वहाँ पे इसका एक डांड टूटा और वो नया ही पेड़ बन गया। थोड़ा चल पे आगे आगे से देखिए, यहाँ पेड़ बहुत सारे साइंटिस्ट इधर आ चुके हैं इसका मेन जड़ निकालने के लिए, लेकिन अभी तक मालूम नहीं चल सका। देखिए कितना 20 साल और बड़ा पेड़। चलिए हम लोग अपने ब्लॉक पे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब आम का बगान, पानी इधर भी पहुंच चुकी है, पूरा एकदम भरा हुआ है। तो यही है फुलहरा बाजार का व्यू। यहाँ से बाएं साइड से फुलहरा बाजार चालू होता है और यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाता है। उधर से एक और सड़क दाहिने साइड में जाती है वहाँ पीपल का पेड़ से। तो यही है फुलहरा बाजार, आगे हम लोग कुछ घूमेंगे, आप लोगों को व्यू दिखाते हैं, तो ब्लॉक पे बने रहे। इधर से जो दुकान है, यहाँ का सबसे फेमस दुकान है कपड़ा का, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है कि तो आप लोग इधर आ सकते हैं। यह पुल है नहर अपनी स्टेशन के पास जाती है इधर से ही। तो आप लोगों को चलते हैं, आप लोगों को दिखलाता हूँ फुलहरा बाजार हाई स्कूल। फुलहरा बाजार का हाई स्कूल थोड़ा सा ही आगे है। इधर से आप लोगों का व्यू दिखला कर आगे चलेंगे। फुलहरा बाजार से 2 किलोमीटर आगे चंदपुरा जगह का नाम है, वहाँ का हाई स्कूल। देखिए स्कूल का क्या हाल हो चुका है, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो यही सब व्यू है इधर का, देख लीजिए आप लोग। वहाँ पे रेलवे स्टेशन थी, चकमकरन रेलवे स्टेशन है, चकसिकंदर रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ से आप थोड़ा सा 1 किलोमीटर और अंदर आइएगा, 0.5 किलोमीटर, तो वहीं पे स्कूल है। तो आगे चलते हैं, कुआरी से हम लोग घर जाएंगे, तो ब्लॉक पे बने रहे। देखिए इधर का हरियाली कैसी है, पूरा एकदम पानी भरा हुआ है। वो इसमें ना जाने किस चीज़ का पेड़ है, इधर पूरा एकदम हरा भरा है, इधर पूरा एकदम आम का गाछ है इधर। ये रहीमापुर और फुलहरा बाजार के बीच का एक सड़क है जो यही एक जोड़ती है। तो इधर से हम लोग आगे जाएंगे उधर रहीमापुर, रहीमापुर में रुककर आप लोगों को बतला दूंगा वो मार्केट। तो ब्लॉक पे बने रहे दोस्तों। तो हम लोग अभी रहीमापुर चौक पे है, आप लोग देख सकते हैं कैसा व्यू है रहीमापुर का। यहाँ पे एक फेमस मंदिर है जो आप लोगों को उधर दिखाई दे रही होगी। ये रोड फुलहरा जाती है, जहाँ से हम लोग अभी आए आप लोग को व्यू देख लिए होंगे। ये NH जो आपको हाजीपुर लेकर जाएगी, आप लोग ये महनार से हाजीपुर डायरेक्ट रूट जाती है। NH 103 इसका नाम है, आप गूगल मैप पे देख सकते हैं। और ये देखिए रहीमापुर का कैसा व्यू है। तो ब्लॉक पे बने रहे, अभी हम लोग आगे जितना भी चीज़ चौक आप लोगों को मिलेगा आप लोगों को कोशिश करेंगे कि पूरा एक्सप्लेन मैं कर सकूँ। तो दोस्तों यह है रहीमापुर सिंडिकेट बैंक, बिद्दुपुर स्टेशन से ये आगे है। तो रहीमापुर से आप आगे आइएगा तो आपको यहाँ पे कॉलेज देख सकते हैं, बोर्ड सबोदय महाविद्यालय इस्माइलपुर बिद्दुपुर RS। तो उधर हम लोग कॉलेज जाएंगे और कॉलेज आप लोगों को दिखलाता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, यही है इस्माइलपुर कॉलेज। इस कॉलेज को आप बोर्ड में देख सकते हैं किसने बनाया है। इनका नाम है नरेंद्र कुमार सिंह, जो विधान परिषद के सदस्य है शायद उनके द्वारा ही बनाया गया है। अभी कॉलेज के अंदर तो नहीं जाऊंगा, क्या गेट बंद है इसका, तो किसी और दिन आप लोगों को डिटेल से दिखला दूंगा। देख लीजिए यही व्यू है सब।
दोस्तों ये देवा चौक मार्केट है, यहाँ से ये जो सड़क दिख रही है आप लोगों को दाहिने तरफ में मार्केट ये है, ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है लेकिन है। माइक नहीं है तो बहुत नॉइस सड़क की गाड़ियाँ की आती है, लगता है एक माइक लेना ही होगा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आज हम लोग बहुत चीज घूमे देखे, तो आप लोगों को अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।